All right, now we're going to go across to the celebrations of the 10th Vishwa Hindi Sammelan. The Prime Minister is there. He will be inaugurating that now. एक बार पुनः स्वागत करती हूं आप सभी को हम अपने बीच पाकर धन्य हुए आदरणीय दीवियों सज्जनों 10वें विश्व हिंदी सम्मेलन का शुभारंभ हम हिंदी के प्रशस्ति गान से कर रहे हैं हिंदी गान को शब्दों में पिरोया है मध्य प्रदेश के और देश के सुविख्यात वरिष्ठ पत्रकार और गीतकार आदरणीय श्री महेश श्रीवास्तव जी ने और संगीत से संजोया है युवा संगीतकार उमेश तरकसवार ने प्रस्तुत हिंदी गान को स्वर दिया है प्रख्यात गायिका सुहासिनी जोशी और साथियों ने आइए श्रवण करें हिंदी गान का
अतिथि देवो भवा। देवियों और सज्जनों, अतिथि ईश्वर का स्वरूप होता है। भारतीय परंपराओं के अनुसार अब इस समारोह में सभी गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत और अभिनंदन अंगवस्त्र भेंट कर किया जाएगा। इस श्रृंखला में मैं सबसे पहले निवेदन करना चाहूंगी माननीय विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज जी से कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का अंगवस्त्र भेंट कर जोरदार तालियों के बीच स्वागत करें। और अब मैं निवेदन करना चाहूंगी माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश श्री शिवराज सिंह चौहान जी से कि वे माननीय प्रधानमंत्री जी का शॉल ओढ़कर स्वागत करें। 10वें विश्व हिंदी सम्मेलन के इस उद्घाटन सत्र में माननीय प्रधानमंत्री जी का एक बार पुनः हृदय से स्वागत। अब मैं निवेदन करना चाहूंगी माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश श्री शिवराज सिंह चौहान जी से कि वे माननीय विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज जी का अंग वस्त्र भेंट कर स्वागत करें। माननीय विदेश राज्य मंत्री जनरल डॉक्टर वी के सिंह जी से मैं विनम्र आग्रह करना चाहूंगी कि माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश माननीय राज्यपाल श्री राम नरेश यादव जी का अंगवस्त्र भेंट कर स्वागत करें। माननीय विदेश राज्य मंत्री जनरल डॉक्टर वी के सिंह जी से मैं अब निवेदन करना चाहूंगी कि माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश श्री शिवराज सिंह चौहान जी का अंगवस्त्र भेंट कर जोरदार तालियों के बीच स्वागत करें। विदेश राज्य मंत्री जनरल वी के सिंह जी से पुनः अनुरोध करना चाहूंगी कि मंच पर उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री झारखंड श्री रघुवर दास जी का अंगवस्त्र भेंट कर स्वागत करें। माननीय सांसद श्री अनिल माधव दवे जी से मैं विनम्र आग्रह करना चाहूंगी कि मंच पर विराजमान माननीय संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री आदरणीय श्री रविशंकर प्रसाद जी का अंगवस्त्र भेंट कर स्वागत करें। 10वें विश्व हिंदी सम्मेलन के आयोजन समिति के उपाध्यक्ष एवं माननीय सांसद श्री अनिल माधव दवे जी से मैं निवेदन करूंगी कि माननीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी का अंगवस्त्र भेंट कर जोरदार तालियों के बीच स्वागत करें। और अब माननीय गृह राज्य मंत्री श्री किरण रिजिजू जी से मैं अनुरोध करूंगी कि मनचासी माननीय राज्यपाल पश्चिम बंगाल श्री केशवनाथ त्रिपाठी जी का अंगवस्त्र भेंट कर स्वागत करें। श्री किरण रिजिजू जी से मेरा निवेदन है कि माननीय राज्यपाल गोवा श्रीमती मृदुला सिन्हा जी का अंगवस्त्र भेंट कर स्वागत करें। और अब माननीय गृह राज्य मंत्री श्री किरण रिजिजू जी मॉरिशस के माननीय शिक्षा व मानव संसाधन क्षेत्रीय शिक्षा एवं वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्री श्रीमती लीला देवी दुखोन लक्ष्मण जी का जोरदार तालियों के बीच अंगवस्त्र भेंट कर स्वागत करेंगे। और अब मैं निवेदन करना चाहूंगी सचिव विदेश मंत्रालय श्री अनिल बधवा जी से कि वे माननीय गृह राज्य मंत्री श्री किरण रिजिजू जी का अंगवस्त्र भेंट कर स्वागत करें। श्री अनिल बधवा सचिव विदेश मंत्रालय से मैं पुनः आग्रह करना चाहूंगी कि माननीय विदेश राज्य मंत्री जनरल डॉक्टर वी के सिंह जी का अंगवस्त्र भेंट कर स्वागत करें। जोरदार तालियों से हम सभी मंचासीन अतिथियों का स्वागत करेंगे। आप सभी ने यहाँ पधारकर इस सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को गौरवान्वित किया है। हृदय से धन्यवाद। आदरणीय भाइयों और बहनों, मध्य प्रदेश 10वें विश्व हिंदी सम्मेलन के आयोजन का सहभागी राज्य है और भारत के इसी हृदय प्रदेश मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री शिवराज सिंह जी चौहान से अब हम अनुरोध करेंगे कि वे विश्व हिंदी सम्मेलन के उद्घाटन अवसर पर स्वागत उद्बोधन दें। श्री शिवराज सिंह जी चौहान। भारत के प्रधानमंत्री और केवल प्रधानमंत्री नहीं, देश की करोड़ों करोड़ जनता के हृदय के हार, वैश्विक नेता,
श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, हमारी यशस्वी विदेश मंत्री भारत सरकार, जिनके मार्गदर्शन में ये सम्मेलन संपन्न हो रहा है, श्रद्धेय सुषमा दीदी, मध्य प्रदेश के राज्यपाल आदरणीय राम नरेश यादव जी, आदरणीय केसरीनाथ त्रिपाठी जी पश्चिम बंगाल के राज्यपाल, गोवा की राज्यपाल और हिंदी की विख्यात लेखिका आदरणीय मृदुला सिन्हा जी, झारखंड के मुख्यमंत्री, हमारे मंच पर बैठे हुए सभी केंद्रीय मंत्रीगण, अतिथिगण और इस विश्व हिंदी सम्मेलन में पधारे हुए सभी बहनों और भाइयों, आज मैं प्रसन्न हूं। सचमुच में कहूं तो रोम रोम पुलकित है। 10वां हिंदी विश्व सम्मेलन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हो रहा है। मैं प्रधानमंत्री जी को और सुषमा दीदी को धन्यवाद देना चाहता हूं। यह सौभाग्य आपने मध्य प्रदेश को प्रदान किया है। और जब मन प्रसन्न होता है, आनंदित होता है, असीम होता है, और वो आनंद असीम होता है, तो शब्द सीमाओं में बंध जाते हैं। उसे मैं केवल शब्दों से स्वागत नहीं करूंगा, मैं भाव से, हृदय की गहराइयों से, अंतर मन के संपूर्ण स्नेह से आपका स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। एक सुखद संयोग है, आज से 80 साल पहले गुजरात की धरती से उदित हुए एक ऐसे नेता जो सारे विश्व पटल पर छा गए थे, महात्मा गांधी जी, वो इंदौर आए थे हिंदी साहित्य सम्मेलन का उद्घाटन करने। उसके पहले 1918 में भी आए थे, और आज उसी गुजरात की धरती से अपने व्यक्तित्व और कृतित्व के आधार पर पूरी दुनिया को सम्मोहित करने वाले नेता भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी इस सम्मेलन का उद्घाटन करने पधारे। मुझे लगता है गुजरात और हिंदी का बड़ा बड़ा पक्का रिश्ता है। जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए तो पहला भाषण उन्होंने हिंदी में दिया था। कुछ लोगों ने विरोध किया तो महात्मा गांधी ने उस समय कहा था, मैं हिंदी में नहीं, मैं भारत की भाषा में बोल रहा हूं। मुझे अच्छी तरह याद है कि गुजरात की धरती में कवि हुए नर्मदा शंकर नर्मद, सबसे पहले हिंदी राष्ट्रभाषा बने इसका उद्घोष गुजरात के उस महाकवि नर्मद जी ने किया था। हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का अभियान वहां से चला। और आज फिर भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी इस सम्मेलन का उद्घाटन करने आए हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं। प्रधानमंत्री हैं इसलिए तो स्वागत करते ही, लेकिन केवल इसलिए मैं स्वागत नहीं कर रहा, मैं इसलिए भी उनका स्वागत करना चाहता हूं कि हिंदी उनके रोम रोम में रमी है, हिंदी उनकी हर एक सांस में बसी है, उनकी वाणी हिंदी, उनकी वाणी में हिंदी, उनके स्वभाव और संस्कार में हिंदी है। उसने जब इलेक्शन कैंपेन में गैर हिंदी राज्यों में भी गए तो माननीय मोदी जी हमेशा हिंदी में बोले। प्रधानमंत्री बनने के बाद दुनिया के अनेकों देशों की उन्हें यात्राएं की, अक्सर भारत के प्रधानमंत्री जब विदेश जाते थे या बात कोई भी वरिष्ठ नेता विदेश जाता था तो हम अंग्रेजी में बात करते हुए सुनते थे, लेकिन भारतवंशी प्रवासी भारतीय दुनिया में रहने वाले बाकी हिंदी प्रेमी आनंद और प्रसन्नता से तब भर गए जब हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने हर जगह हिंदी में भाषण दिया, उद्बोधन हिंदी में दिया, हिंदी का मान बढ़ाया, भारत का मान बढ़ाया। मैं माननीय मोदी जी